ऐसे मुझे टीना खास पसंद नहीं थी। अरे मुझे सिर्फ चिंता मेरे खाने की है, ये सब वो कर रही थी इसलिए मुझे मिस हो रही है। बाहर जाके मैंने बात भी नहीं करनी उससे क्योंकि रेस्टोरेंट है। दोस्तों शालीन भनोत पीठ पीछे कैसे वार करते हैं, वो कितना फेक है, वो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टीना दत्ता जो घर से बेघर हुए हैं, शालीन भनोत उनके साथ सो कॉल्ड रिलेशनशिप में थे, मतलब वो प्यार करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों शालीन भनोत जब देख रहे हैं टीना दत्ता घर में नहीं है तो दूसरे पे ट्राई मारा जाए। जी हाँ दोस्तों, वो अर्चना और सुजिता के सामने वो कह रहे हैं कि मैं तो टीना दत्ता के साथ बाहर जाकर भी बात नहीं करूंगी, मैं तो खाने से मतलब यहाँ पर पकाते थे, बाहर तो रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना खा लूंगी और उनसे उतना मुझे लगाव भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, शालीन भनोत की जुबानी ये हम सुने बिग बॉस के घर में और ये तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो जब सब था वो सभी फेक था, वो हमें दिख रहा था कैमरे के लिए। टीना भी वो कर रहे थे, शालीन भनोत भी कर रहे थे, हालांकि अभी टीना दत्ता बिग बॉस के घर में वापस एंट्री ले चुके हैं तो अभी क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों शालीन भनोत एक डसने वाला सांप है, ये तो हम और आप देख ही सकते हैं। दोस्तों शालीन भनोत का ये जो रवैया है ये आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार है दोस्तों आपको देखिए मुझे कॉमेंट का।